हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कॉस सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 3 अलजेब्रा का चैप्टर 3 एक्सपेंशन की एक्सरसाइज 3 भी आज हम सॉल्व करेंगे। और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के सॉल्यूशंस का वीडियो प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम कुछ फॉर्मूलेज देख चुके हैं, अगर आपने वो अभी तक मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक, ताकि आपको बाकी के फॉर्मूलेज जो आपने मिस कर दिए हैं उसके बारे में पता चल जाए। और ये जो एक्सरसाइज है टोटली प्रीवियस एक्सरसाइज से कनेक्टेड है, तो फॉर्मूलेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी इज इक्वल टू 20। तो अभी हमें प्रीवियस एक्सरसाइज में फॉर्मूला देखा था दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ओके, तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसके लिए क्या फॉर्मूला बना देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने एज इट इज छोड़ दिया, ये वैल्यू हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ओके, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू है 9, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी दैट इज 20, सो ये हो गया 81 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 41। तो आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 41। सेकेंड पार्ट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 6 एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 14। तो वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरा इलस्ट्रेट करके बताऊंगी कि हम इन दोनों से इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। एज वी नो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, और पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो अगर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर देते हैं, वी गेट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर। तो इन शॉर्ट अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर इस तरीके से डिराइव करके भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सो 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 14, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 6 36 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, इसको ऐड करेंगे 6 प्लस 6 12, 1 कैरी ओवर 13, 232 ये आ गया। और आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए, तो ये 2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 232 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, 1 ज़ा 1 ज़ा एंड अगेन 6 ज़ा, तो इसकी वैल्यू आ गई है 116। नेक्स्ट पार्ट इज एम एन इफ एम प्लस एन इज इक्वल टू 8 एंड एम माइनस एन इज इक्वल टू 2। सेम अगर हम एम प्लस एन का होल स्क्वायर लिखते हैं, दिस बिकम्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, और अगर हम एम माइनस एन का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये आ जाता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब एम प्लस एन का होल स्क्वायर को माइनस कर देते हैं एम माइनस एन के होल स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस बिकम्स 4mn। तो यहाँ से आप mn की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 4mn इज इक्वल टू
एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है 8 इसका स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, सो 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, सो इट बिकम 60, सो एम एन इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, सो एम एन की वैल्यू आ गई है 15. नेक्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर कर देंगे बोथ द साइड, इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देंगे बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ इसको फर्दर, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस टू दैट इज 7. तो ये इसकी वैल्यू आ गई है. अब आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4. तो हमारी ये जो इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसको हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर. तो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ इसको, दिया जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4, बिकॉज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49. तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 विल बिकम 49 माइनस 2, जिसको हम लिख रहे हैं 47. तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4 विल बिकम 47. तो एक का आंसर आया है 7, दूसरे का आंसर आया है 47. नेक्स्ट पार्ट वी हैव एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5. तो पहले हम इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये आ जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5. ये x कैंसिल आउट हो गया, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5. सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 दैट इज 3. तो ये तो आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स. तो अब हम यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. सो अभी हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा. तो ये है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. तो हमने एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1. और अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स एज अंडर रूट ऑफ 1 विच इज प्लस माइनस 1. तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई है x माइनस वन अपॉन एक्स के लिए. अब हमको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ओके, तो ये हमारे फॉर्मूला बन गया है. तो हमें इसकी वैल्यू पता है, दैट इज इसकी वैल्यू है प्लस माइनस 1 और इसकी वैल्यू है अंडर रूट 5. तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू रूट 5 इज अंडर रूट 5 और प्लस माइनस का प्लस माइनस. सो हेंस दिस इज द
आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 17 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 30। एज वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 17 हमको गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इस कंप्लीट की वैल्यू है 30 विच इज इक्वल टू 289। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 289 माइनस 60, 2 3 6, सो 60 हो गया, तो दिस बिकम्स 229 एज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 15 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 77। वी नो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 77 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 225। इस 77 को हम इस साइड ले जाएंगे, सो 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 225 माइनस 77, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल बी, इसको जब हम माइनस करेंगे वील गेट 148, और ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में था ये डिविजन में चला जाएगा, तो 74 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्लस बी प्लस सी आपको फाइंड करना है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 50 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज 47। सो एज वी नो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सो दिस इज 50, दिस कंप्लीट वैल्यू इज 50 प्लस 2 इंटू 47, सो दिस बिकम्स 50 प्लस 7 2s are 14, 1 carry over 4 2s are 8, 94, सो ऑन एडिशन वील गेट 144। तो अब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 144, दैट इज 12। और रूट जब भी हम फाइंड करते तो प्लस माइनस जरूर लगाते हैं, दैट वी विल सी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट इज 8x³ + 84x² + 294xy² + 343y³ इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। आप चाहें तो इसके अंदर डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम करें, क्यूब है तो मतलब ये तो हो गया 2x का होल क्यूब, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये हो जाएगा 7 का क्यूब, तो 7y का होल क्यूब, ठीक है, और हम इसको ब्रेक करेंगे, सो दिस बिकम्स 3 ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, मतलब 7y का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2x प्लस 7y का होल क्यूब। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 इसका होल क्यूब, मतलब 2 प्लस 14 का होल क्यूब विच इज 16 का होल क्यूब, और 16 का होल क्यूब होता है 4096। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 27x³ - 27x²y + 9xy² - y³ इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो ये भी परफेक्ट क्यूब है, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस का होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x का होल क्यूब माइनस
वाई का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू 3x इंटू वाई का स्क्वायर विच इज 3x माइनस वाई का होल क्यूब. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 2 माइनस 1 का होल क्यूब विच इज 6 माइनस 1 का होल क्यूब विच इज 5 क्यूब. 5 क्यूब इज 125. क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इफ ए प्लस बी इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का. दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. ओके, तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3. सो 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 विच इज इक्वल टू 9. सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन x³ इफ एक्स प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3. तो अब हम यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन x³ लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x. ठीक है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 का क्यूब माइनस 3, ये तो हो गया 1 इंटू दिस विच इज 3. सो 27 माइनस 9 दैट इज 18. सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x³ इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 18. तो यहाँ पर हमको एक्स माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू चाहिए. तो अगर हम एक्स माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर लिखते हैं सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन x. ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास माइनस 2 बचेगा. इन ऑल अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2 कर दें, मतलब इस वैल्यू में दोनों साइड अगर माइनस 2 कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 1 अपॉन x के लिए. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर दिस सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 2. सो दिस बिकम्स एक्स माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास 16. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट सो दिस बिकम्स एक्स माइनस 1 अपॉन x एज अंडर रूट ऑफ 16 विच इज प्लस माइनस 4. तो अब हमारे पास एक्स माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू आ गई है तो इससे अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज फॉर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x³ के लिए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x. इसकी वैल्यू अगर हम प्लस 4 लेते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं प्लस 4, तो प्लस 4 के लिए यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4. 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस 12 दैट इज 76. और अगर हम यहां पर फॉर प्लस 4 अगर हम इसकी वैल्यू माइनस 4 लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 4. सो माइनस 64 माइनस 12 विल गिव माइनस 76 एज द आंसर. तो मतलब इसकी जो वैल्यू है दैट कुड बी प्लस माइनस 76. सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 x³ इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 x² इज इक्वल टू 8 3/5. तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में 8 5 ज़ा 40 43/5 हम लिख सकते हैं. इन शॉर्ट अगर हमको यहाँ प्लस की वैल्यू चाहिए, मतलब हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 x का होल स्क्वायर, इसमें हमको ऐड करना होगा 2/5 क्योंकि इसमें
फाइव भी इंक्लूडेड है, अगर x होता तो कट जाता, तो 2 अपॉन 5 हम लेंगे, तो 2 अपॉन 5 दूसरी साइड भी हम ऐड करेंगे प्लस 2 अपॉन 5। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 अपॉन 5x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 45 अपॉन 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स, सो टेकिंग स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन 5x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, सॉरी रूट 9 इज प्लस माइनस 3। ओके, तो अब अगर हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन 5x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 5x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 5x। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू या तो हम प्लस 3 लिखेंगे या फिर माइनस 3 लिखेंगे, पहले हम प्लस 3 पुट कर रहे हैं फॉर प्लस 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 5, बिकॉज ये x से x कट गया, यहाँ पर बचेगा 3, सो दिस बिकम्स 27 माइनस 9 अपॉन 5, टेकिंग एलसीएम एज 5, ये आ जाएगा 135 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 126 अपॉन 5, दैट इज 25 1 अपॉन 5। अगर हम ले लेते हैं माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 अपॉन 5 इंटू माइनस 3, सो दिस बिकम्स माइनस 27 प्लस 9 अपॉन 5 विच इज माइनस 135 प्लस 9, तो ये आ जाएगा माइनस 126 अपॉन 5 विच इज माइनस 25 1/5। तो इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, दैट इज प्लस माइनस 25 1/5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट 102 प्लस 102 इंटू 90। तो अब हम इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे कि इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएं, कि अगर हम 102 इंटू 98 लिख रहे हैं तो 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं और 98 को 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 10000 माइनस 4, दैट इज गोइंग टू बी 9996। ओके, नेक्स्ट 1003 माइनस 997 का स्क्वायर, तो अब हम इसको लिख सकते हैं एज 1000 plus 3, this is square, so a square minus b square है, तो इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा a plus b and a minus b, ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2000, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 विच इज 12000 एज दी आंसर। नेक्स्ट वी हैव 10 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो अभी हमें ये पता है कि इनका क्यूब निकालना है, अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो क्यूब नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है, तो हम यहाँ पे प्लस 5 और माइनस 5 का होल क्यूब प्लस माइनस 5 का होल क्यूब लिख देते हैं, तो ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है माइनस 5 और सी की वैल्यू है माइनस 5, तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी देखें कितना आना चाहिए, 0, मतलब 10 माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो अब हमें ये पता होना चाहिए दैट a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब शुड बी 3abc। तो हमने इसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, सो 30 इंटू 25 इज 750, माइनस माइनस विल बिकम प्लस,
सो आंसर इज 750. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.